विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अभी आपने एक मिनट के लिए ही केवल अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट किया और आप देखेंगे कि पूरे होल का इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, एक शांत शांत वायुमंडल बन गया ना पूरे होल का जिसमें हम बैठे हैं। तो ये किसने चेंज किया ये वायुमंडल? जैसे भी पहले थोड़ी कुछ हम ऐसे ही बैठे हुए थे, कहीं पैर फैला के या एक तरफ झुक के, फिर जैसे ही कमर सीधी की, फिर जैसे ही हम शांत हुए तो थोड़ा सा परिवर्तन आ गया इसमें होल में। ये तो एक मिनट की बात है। तो ये एक मिनट का परिवर्तन किसने किया? कोई बाहर से आके इसको परिवर्तन करके गया या हमने ही किया? और हमने भी ये परिवर्तन करने के लिए क्या किया? क्या कोई पुरुषार्थ किया क्या हमने? कुछ भी नहीं किया, बस हम केवल शांत हो गए। हम शांत हो गए तो पूरा होल शांत हो गया। तो यही इक्वेशन जो इस होल में लागू होती है, यही हमारे परिवार में भी लागू होती है, हमारे समाज में भी लागू होती है और पूरे देश में भी लागू होती है। जैसे गणित के सूत्र होते हैं ना, वो सब जगह एक ही जैसा काम करते हैं। साइंस के सूत्र सब जगह एक ही जैसा काम करते हैं। जैसे पानी कैसे बनता है, साइंस का सूत्र क्या कहता है पानी कैसे बनता है? इतनी तो साइंस सब ने पढ़ रखी है, बताइए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के पानी बनता है, एक सूत्र है। अब ये सूत्र भारत में भी काम करेगा, पाकिस्तान में भी करेगा, यूके में भी करेगा, कनाडा में भी करेगा, सारी धरती के ऊपर करेगा, एक ही होता है सूत्र। तो जो शांति का एकाग्रता का सूत्र हमने यहाँ पर होल में अनुभव किया, वो अपने परिवार में भी यही सूत्र काम करेगा। यदि परिवार में शांति लानी है तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें शांत होना पड़ेगा। हम शांत होकर के पूरे घर को शांत कर सकते हैं, क्योंकि हमें देख के दूसरा भी वैसा करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा। जब पांचों ऐसे करेंगे तो अपने आप घर शांत हो गया। और हमारा घर यदि शांत हो गया, हमने अपने घर को, अपने परिवार को यदि आदर्श बना लिया, अपने घर में हारमोनी बना ली, तो हमारे परिवार को देख करके हमारे अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले वो भी उसको नकल करेंगे। तो हमने अपने घर की शांति से पूरे गांव में शांति ला दी। श्री राम जी जिनका हमने सबसे ऊपर चित्र लगाया है, उन्होंने सबसे पहले कहां हारमोनी स्थापित की? अपने घर में। और उनके घर से केवल अयोध्या वालों ने ही प्रेरणा नहीं ली, केवल भारत वालों ने ही प्रेरणा नहीं ली, बल्कि पूरे विश्व ने प्रेरणा ली। और केवल उनके जीवन काल में प्रेरणा नहीं ली, लाखों वर्षों के बाद आज भी पूरी मानवता उनसे प्रेरणा ले रही है। वो आपके और हमारे जैसे ही दो हाथ पैर वाले, ऐसे ही पार्थिव शरीर वाले ही व्यक्ति थे। उनका कोई सोना चांदी का शरीर नहीं था, ऐसा ही दिमाग था, ऐसी ही बुद्धि थी। छोटी छोटी चीजों से ही, कल भी महाराज जी ने बताया था, छोटे छोटे व्रतों का पालन करने से व्यक्ति में महान शक्ति इकट्ठी हो जाती। शक्ति है पहले ही, लेकिन वो रिस रही है हमारी चारों तरफ से जब हम अजागरूक होते हैं। जैसे कोई घड़ा भरा हो और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, कुछ घड़े ऐसे होते हैं ना छिद्र भी नहीं है उसमें, लेकिन उसको बोलते हैं झरता है ये घड़ा।
तो जो झरता है जो घड़ा, उसको आप भर के रखेंगे तो रात को भरा तो सुबह तक आधा तो हो ही जाता है, वो पता भी नहीं चलता है। और यदि उसको हम बंद कर दें, उसका झरना या कोई छोटा सा छेद जहां से लीकेज हो रहा है उसको बंद कर दें, तो उसमें से एक बूंद भी नहीं। आज ही सुबह श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने एक मंत्र बुलवाया था हम सब से, मई ये वस्तु मई श्रुतम, अथर्ववेद का मंत्र है, आज सुबह ही बुलवाया था। तो समश्रुतेन गमे मही, मां श्रुतेन विराधी सी, मई ये वस्ती मई श्रुतम, जो मैंने सुना है वो मुझ में ठहरे। ठहरता नहीं है, छिद्र है, लीकेज है हमारे चित्त में। कितना सुना अभी हमने 4 दिन से, और यदि कुछ अपवाद को छोड़ करके अब आपके बीच से ही, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा करूं आपको कि आप जरा बताइए आपने पहले दिन क्या सुना, दूसरे दिन क्या सुना, तीसरे दिन क्या सुना, और आज चौथे दिन सुबह से लेके अभी दोपहर तक आपने क्या सुना, तो कोई एक दो बातें याद रहेंगी, पूरा का पूरा याद नहीं है। इसका मतलब है कि हम उतने इसको हम कर सकते थे। जैसे पहले दिन मैंने बताया था ना, तो हमें क्या करना होता है जब, और ये केवल पतंजलि योगपीठ के लिए नहीं कह रही हूं, कहीं भी आप जाएं, किसी के सत्संग में जाएं, कभी आप किसी महापुरुष से मिलने जाएं, अकेले किसी व्यक्ति से मिलने जाएं, आप टीवी देख रहे हैं, आप जब बैठते हैं तो कागज पेन लेके बैठें, और उठते समय आप कुछ पॉइंट्स नोट करें कि यहां से मैंने ये लिया। आप कोई मूवी भी देखते हैं तो मूवी देखने का परिणाम क्या है, क्या लिया आपने उससे, तो वो पॉइंट में आना चाहिए। यहां आकर के जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहां 4 दिन आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है 4 दिन से, अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, दिनचर्या अच्छी लग रही है, और यहां का वातावरण अच्छा लग रहा है, और है जी, क्या अच्छा लगा भैया? नहीं, एवरीथिंग में दो चार तो गिनाओ, एवरीथिंग क्या है, योग अच्छा लगा, ध्यान अच्छा लगा, अष्टांग योग अच्छा लगा, नए नए विचार अच्छे लगे। तो ये सारा आपको क्या क्या अच्छा लगा, आज शाम को जब आप आएंगे ना तो एक कागज पे लिख के लाना, ये होमवर्क है। आप जब दोपहर में खाना खा के बैठेंगे ना, तो 4 दिन में आपने यहां से क्या लिया, और ऐसे लिखने के लिए नहीं लिखना। दो चीज होती है, कई बार व्यक्ति ना बोल तो देता है, लिख तो देता है, लेकिन उसके साथ उसकी भावनाएं भी मैच करती हैं या नहीं करती, ये जरूरी नहीं है। कई बार हम देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज तो है कि अब यहाँ की जो दिनचर्या है, हमने सुबह आपको 4 बजे उठने के लिए कह रखा है, अगर आप नहीं भी उठेंगे तो वहां की लाइट काट दी जाती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है गर्मी में उठने के सिवाय, एक मजबूरी होती है ना। हमने कहा कि आपको यहाँ 4:45 आकर के योगाभ्यास करना है, अब स्वामी जी महाराज सामने बैठे हैं, आपको वहां तक दिखाई दे रहा है स्वामी जी को, आपकी इच्छा भी नहीं है दंड बैठक लगाने की, तो भी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो मजबूरी है, देख रहे हैं ना, नहीं तो बोलेंगे कि लगाओ, आप नीली शर्ट वाले लगाओ, लाल शर्ट वाले लगाओ, बोलते हैं स्वामी जी ऐसे। एक होता है एडजस्ट करना, हम कहते हैं जी हमने तो एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट किया जाता है मजबूरी में, और एक होता है स्वीकार करना, स्वीकार किया जाता है श्रद्धा पूर्वक, और जो श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया जाता है वो हमारे जीवन का अंग बन जाता है, हमारी संपत्ति बन जाता है, और जो मजबूरी में एडजस्ट किया जाता है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है कहाँ जाए, तो वो फिर छूट जाता है, जैसे ही वो स्थिति हटी वैसे ही वो छूट जाएगा, वो हमारे जीवन का अंग नहीं बनेगा।
तो एक बार ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जो भी आपको यहाँ अच्छा लगा उसको कभी जीवन भर छोड़ना नहीं, तब माना जाएगा कि हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा तो क्यों छोड़ना? व्यायाम आपको अच्छा लगा यदि, और आपने ये जाना कि ये मेरे लिए अच्छी चीज है, तो आप उसको कभी भी जीवन में मत छोड़ना, तो वो आपकी एक संपत्ति बन जाएगी। और नहीं तो हम लेते हैं फिर वो निकल जाता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी, बहुत अच्छे अच्छे दिनचर्या भी हमने कुछ दिन के लिए की, लेकिन फिर हमारा जीवन वहीं की वहीं आ गया यदि 4 दिन के बाद। तो फिर इतना आपने अपनी नौकरी से छुट्टी ली है, किसी ने अपना बिजनेस छोड़ा है, किसी ने अपने घर में जैसे तैसे एडजस्ट करके आप यहाँ पहुँचे हैं, इतना किराया भाड़ा लगा के दूर दूर से भी भाई बहन आए हैं, तो फिर और कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी है, कितना यहाँ खर्चा किया गया है आपके ऊपर। आपको मालूम है एक व्यक्ति के ऊपर कितना खर्चा होता है? कहीं बाहर जाते हैं तो एक कमरे में रुकने के लिए, एक सामान्य कमरे में रुकने के लिए कितना खर्चा लगता है, कितना किराया होता है जी? 1,800। 1,000 रुपए यदि लगाएं तो 5 दिन में एक व्यक्ति का किराया किराया कितना हो गया? और खाना खाते हैं तो एक एक थाली के कितने रुपए लगते हैं? कितने लगते हैं? ना ना, सामान्य बता दो, ऐसे तो हजारों की भी होती है। मिनिमम 100 रुपए लगा लो। अच्छा, उसके बाद कोई बहुत अच्छे जो मोटिवेशनल गुरु होते हैं और उनको मोटिवेशन के लिए बुलाते हैं 1-1 घंटे के लिए। आप में से कुछ लोग तो बिजनेस भी करते होंगे, जैसे बिजनेस वालों को मोटिवेशन के लिए बुलाते हैं, तो 1 घंटे के उनकी फीस कितनी होती है? कभी किसी ने अटेंड किया मोटिवेशनल स्पीच किसी मोटिवेशनल गुरु का? कितनी होती है भाई साहब, बताइयो कितना? आप बताओ। 5,000 से लेके 50 लाख तक, तो मतलब 5,000 तो मिनिमम है ना। चलो मैं उससे भी कम करती हूँ, 1,000 लगा लो। और महाराज जी जैसा मोटिवेशन तो कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि हेल्थ के बारे में भी मोटिवेशन दे रहे हैं, बिजनेस का भी दे रहे हैं, लाइफ का भी दे रहे हैं, और अगले लाइफ का भी दे रहे हैं। मतलब घर परिवार से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, लौकिक से लेकर, पारलौकिक से लेकर के। और कितने घंटे दिया है उसके घंटे अकाउंट करना, एक आप काउंट करना 5 दिन का, फिर उस घंटे के हिसाब से लगाना। तो मतलब कुल मिला करके अगर हम देखें तो कितना आपका इसके ऊपर खर्चा हुआ है, इस शिविर में कितना संस्थान का हुआ है, तो उसका कोई रिजल्ट आना चाहिए, तब वो सारा खर्चा सार्थक होगा। और यदि उसका रिजल्ट नहीं आया तो उस खर्चे का पाप हमारे ऊपर लगेगा। ये कर्माशय बनता है, ऐसे ही कर्माशय बनता है, जिसको हम कहते हैं ना कर्म का मिलता है, भाग्य का मिलता है। वो भाग्य बनाता कौन है हमारा? हम कहेंगे जी भगवान बनाता है, तो भगवान कहीं ऐसे तो बैठा नहीं है चौथे तीसरे आसमान पे कि वो वहां बैठ करके एक एक आदमी का पहले नाम लिखे, उसके आगे उसका भाग्य लिखे, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, ऐसे तो है नहीं कोई व्यवस्था। तो वो भाग्य ईश्वर लिखता है, ये ठीक है, लेकिन कैसे लिखता है ईश्वर? हमारे माध्यम से लिखता है, हमें निमित्त बना के लिखता है ईश्वर हमारा भाग्य। और कब लिखता है? कब लिखता है ईश्वर? हर पल लिखता है। अभी भी आप हॉल में बैठे हैं ना, अभी भी आप अपना भाग्य लिख रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग लिख रहे हैं। जो जितना जागरूक है वो उतना ही बेस्ट अपना भाग्य लिख रहा है, इस समय लिख रहा है, इससे पहले भी लिख रहा था, शाम तक लिखेंगे। आज आपका भाग्य, आपका भाग्य आपके हाथ में है, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि जितना लिखने का मतलब ये नहीं है कि डायरी में लिख रहे हैं, आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो ही हमारा भाग्य बनता है। कोई व्यक्ति, एक इतने महान गुरु आपको कोई उपदेश दे रहे हैं, हम उन उपदेशों को किस भाव से सुन रहे हैं और कितना गुण रहे हैं और कितना जी रहे हैं, ये हमारा भाग्य बनेगा। तो यहां सभी ने एक ही जैसा सुना है प्रवचन स्वामी जी महाराज का, लेकिन सबकी उपलब्धि अलग-अलग है। अब आप में से ही
कुछ ऐसे भाई बहन निकलेंगे जो इसको 100% अपने जीवन में उतारेंगे और 100% अपने जीवन को और अपनी आने वाली संततियों को दिव्य बनाएंगे। वही तो उदाहरण बनते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो मीडियम होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सामान्य होंगे, और कुछ बीज के लिए ऐसे भी निकल सकते हैं जो शिविर के बाद अपनी, पहले तो 5 दिन की नींद निकालेंगे, उसके बाद बोल जी अगले साल देखेंगे जब आएंगे तब। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये हम खुद लिखते हैं अपने हाथ से अपना भाग्य। हमें बहुत इच्छा होती है, अगर अभी मैं अनाउंस करूं कि भाई अभी ना वहां बाहर पीछे एक कोई हाथ देखने वाला आ रखा है, भाग्य देखने वाला आ रखा है, तो आप में से मुश्किल से 2-4 मिलेंगे या मेरे पास, तो धीरे धीरे करके सब सुटक लेंगे, क्योंकि वहां भाग्य की बात बताई जा रही है बाहर, और यहां वहां जो भाग्य में लिखा है वो भाग्य बताने वाला है, और यहां जो गुरु बैठा है वो भाग्य बनाने वाला बैठा है। भाग्य बनाया कैसे जाता है, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज इस सुबह मेरे से एक बहन मिली जब हम यहां से जा रहे थे, तो बोल जी हम तो इतनी दूर से आए ही इसलिए थे कि हमें कोई संतति नहीं है, शायद वो बहन यहां बैठी भी होगी, बोल जी आपसे मिलना, बाबा जी से मिलना था हमें, हमें संतति नहीं है, हम तो इसी काम के लिए स्पेशल इतनी दूर से आए थे। तो मैंने कहा कि परसों स्वामी जी ने जो एक्सरसाइज बताई थी, जो प्राणायाम बताए थे, इसके लिए जो औषधि बताई थी, तो उसको कम से कम आप 6 महीना 5 महीना 4 महीना उसको करो तो सही, करने से तो रिजल्ट आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कुछ मतलब डुप्लीकेट बच्चे रखे हैं हमने और एक एक उठा के दे देते हैं, चलो आपको जाते समय गिफ्ट, ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन जो बताया है वो करना तो पड़ेगा ना, जीना तो पड़ेगा। किसान को ये बता दें कि भाई ऐसे होती है फसल, पहले उसमें बीज डाला जाता है, फिर नलाई की जाती है, फिर उसको पानी दिया जाता है, फिर उसकी कटाई की जाती है, फिर निकाला जाता है, फिर बोरी में भर के अनाज घर लाया जाता है। अब इतना सुन करके और फिर वो बताने वाले को बोल जी बोरी तो भरी नहीं मेरी, 4 घंटे हो गए मेरे को, भाई ऐसे नहीं भरेगी, आपको जैसे बताया है वैसे जीना पड़ेगा। तो जो हमें एक्सरसाइज बताई है, प्राणायाम बताई है, ध्यान बताया है, और केवल इतना ही नहीं, देखो ये 16 संस्कार तो जीवन में 16 बार करने हैं, उसमें भी एक तो कोई और करेगा, 15 हमें करने हैं, तो ये तो 15 ही दिन हुआ, एक संस्कार एक दिन होगा ना, तो जीवन के कुल 15 दिन ही तो हुए, और बाकी का जीवन मतलब 15 दिन तो हम संस्कार कर लें और बाकी के दिन हम अपने आप को फ्री छोड़ दें, तो 15 दिन वाले संस्कार कुछ काम आएंगे, उड़ जाएंगे हवा के धूल की तरह से। संस्कार तो प्रति पल के होते हैं, हर दिन के नहीं, हर क्षण के संस्कार जो होते हैं वो परिणाम लाते हैं, केवल 15 दिन के संस्कार नहीं काम लाते हैं। तो हमें आचार्य स्वामी जी महाराज ने मेरे को नवधा भक्ति के बारे में आपको बताने के लिए बोला है, तो सबसे पहले तो भक्ति क्या है ये हमें जानना है। उस दिन भी हमने चर्चा की थी यद्यपि, भक्ति का मतलब क्या है, तो अभी तक तो हमने ये जाना है, उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था तो आप ये बता रहे थे कि जी हम मंदिर जाते हैं वो भक्ति है, कोई कह रहे हैं जी हम हवन करते हैं वही भक्ति है, कोई कह रहे जी हम स्तुति करते हैं स्तोत्र पाठ करते हैं वो भक्ति है, ये सब भक्ति हैं, इससे आगे भी भक्ति है। भक्त जो शब्द है वो बनता है भज सेवायाम धातु से, और भक्त का एक अर्थ होता है भाग पार्ट, जो भक्त होता है वो जिसकी भक्ति कर रहा है उसका एक पार्ट जैसे होता है, उसका एक भाग जैसे होता है, जो जिसकी भक्ति करता है उस भक्ति का मतलब है वैसा होने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। भक्त का मतलब है जो जिसका भक्त है वो वैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करता है, वैसा ही जीता है, वो भक्त होता है। मान लीजिए कोई धन का भक्त है, उसको धन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं धन का भक्त हूं और कुछ चांदी के सिक्के रख लिए और लक्ष्मी जी की एक फोटो रख ली और फिर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी करता है रोजाना, धूप भी जलाता है दीप भी जलाता है, तो वो व्यक्ति धनवान बन जाएगा क्या?
इतना मात्र करने से, इतना मात्र करने से धनवान बन जाएगा? नहीं बनेगा। धन, जिन लोगों के पास धन है उन लोगों ने कैसे धन को कमाया, ऐसे काम जब ये व्यक्ति करेगा तब ये धनवान बनेगा। यही तो हुआ भारत में। भारत वाले लक्ष्मी गणेश की फोटो रख करके उसकी पूजा करते रहे, उसके स्तोत्र का पाठ करते रहे, और दूसरी तरफ हमें लोग दूसरे बताते रहे कि ये तो सब अनित्य है, ये तो सब आने जाने वाली चीजें हैं, ये सब मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय नहीं है। तो हम क्या करते रहे, लक्ष्मी की फोटो की तो हम स्तुति करते रहे, पुरुषार्थ हमने किया नहीं। तो विदेशी आकर के कहने लगे कि ये आपके लिए कंकर पत्थर होगा, हमारे लिए तो हीरे पन्ना मोती सोना ये सब कीमती चीजें हैं। वो भर भर के ले गए यहाँ से। फिर अब हम कहते हैं कि यूके वाले हमारे कोहिनूर हीरा को ले गए। और मैं कहती हूँ कि आप और हम सब मिल करके ऐसा पुरुषार्थ करें, अपने उस कोहिनूर को भी वापस लाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी आगे आने वाली संततियां हैं और जो आज हमारे बच्चे हैं जिनके हाथों में 15-20 वर्ष के बाद ये सारा भारत होगा, कम से कम हम उन बच्चों को बचा लें, वो हमारे असली कोहिनूर हैं, वो हीरे हैं हमारे, उसको हमने बचाया तो फिर से हम वही ला सकते हैं, वही समृद्धि। तो भक्ति का मतलब मैंने बताया उसके जैसा होना। यदि हम धन के भक्त हैं तो जिन जिन लोगों ने धन कमाया, जो पूरे विश्व के धनवानों की लिस्ट में उनका नंबर आता है, उन लोगों का जीवन कैसा था वैसा हम करेंगे तो हम धनवान बनेंगे। कोई ज्ञान का भक्त है तो वो विद्वान कब बनेगा, ज्ञानी कब बनेगा, जब वो एक एक क्षण अपना विद्या अर्जन में लगाएगा, वही लोग ज्ञानी बने, वही विद्वान बन पाए। सबको अच्छा लगता है विद्वान बनना। एक हमारे स्वामी जी महाराज थे उधर रेवाड़ी जिले में, श्रद्धे स्वामी सोमानंद जी महाराज, हमारे गुरु जी के भी गुरु जी थे। तो वो एक बात बोलते थे, जिसने कण को पकड़ लिया वो धनवान हो गया, और जिसने क्षण को पकड़ लिया वो विद्वान हो गया। एक एक क्षण करके, एक एक क्षण का सदुपयोग करके विद्या आती है, एक एक कण को बचा करके व्यक्ति धनवान बनता है, और जिसने मन को पकड़ लिया वो भाग्यवान हो गया। जिसका मन अपने कंट्रोल में है वो व्यक्ति सबसे बड़ा भाग्यवान है। तो तीन सूत्र हैं, ये बहुत बड़े ऋषि के सूत्र बता रही हूं आपको। एक व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति थे, करोड़ों की संपत्ति थी उसके पास। तो एक दिन एक व्यक्ति उनके घर में दान मांगने के लिए गई कि हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, भारत स्वाभिमान का काम कर रहे हैं, और ये इतने धनवान व्यक्ति हैं। तो अपनी वो रसीद बुक साथ लेकर के गए उनके वहाँ धन मांगने के लिए। और जैसे ही वो उनके दरवाजे में घुसे तो वो दोनों पति पत्नी अंदर झगड़ा कर रहे थे, जो धनवान व्यक्ति थे। और झगड़ा किस बात पे था, झगड़ा ये था कि पति कह रहे थे कि मैंने आपको जो मैच बॉक्स ला के दिया था, माचिस, उसमें 30 तिल्लियां थी, हर मैच बॉक्स में 30 तिल्ली होती थी, तो 30 तिल्लियां थी, और आज तो 28वां दिन है और आज माचिस खाली हो गई, तो बाकी दो तिल्ली कहां गई? 30 दिन चलनी चाहिए थी ना माचिस, 30 तिल्ली थी, और रोज एक बार आग जलाते हैं हम, एक दिन में एक तिल्ली जलती है, तो दो तिल्ली कहाँ है, इस पे झगड़ा। वो बोली ये कौन सी खाने की चीज है जो मैं खा गई, मुझे नहीं पता, 28 ही आई होंगी, या हो सकता है किसी दिन दो जल गई होंगी, अब इसका हिसाब मैं नहीं दे सकती, हद हो गई। मतलब वो वैसे झगड़ रही थी, और वो कह रहे थे कि मैं दो दिन तक माचिस ला के नहीं दूंगा आपका। तो वो व्यक्ति वापस चल पड़ा, भाई यहाँ क्या मिलने वाला है, जो लोग तिल्ली पे झगड़ा कर रहे हैं वहां से दान मिलने की क्या आशा कर सकते हैं। तो वो वापस हो लिया कि यहाँ तो मांगना ही बेकार है, हमने इनका इतना नाम सुना था। तो जब वो वापस जाने लगा तो उस व्यक्ति को दिखाई दे गया वापस जाता, उसने कहा, वापस बुलाया, भाई तुम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो, किस प्रयोजन से आए थे? बोले ना जी बस ऐसे ही आ गए, ऐसे तो कोई किसी के घर नहीं आता है, बताओ आप किस प्रयोजन से आए? बोल जी आया तो प्रयोजन से ही था, लेकिन आपके यहाँ जो मैंने दृश्य देखा तो फिर मैंने अपना प्रयोजन बताना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम बताओ तो सही किस लिए आए थे? तो उसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे दान लेने आया था।
तो उन्होंने कहा कि कुछ लाए हो, रसीद बुक चेक बुक कुछ लाए हो क्या आप? तो उन्होंने कहा हाँ मैं लाया हूँ, चेक बुक लाया हूँ, रसीद भी लाया हूँ। तो उन्होंने नीचे उस पे चेक पे साइन कर दिए उस व्यक्ति ने। सारा पूछा तुम इस दान का क्या करोगे, क्या चलाते हो, पूरा पूछा, नीचे उस पे साइन कर दिए और बोले जितना आपको भरना है उतना आप इसमें भर लेना। आप लाख भरो, 2 लाख भरो, 5 लाख भरो, 10 लाख भरो, जितना भरना है उतना भर लेना। अब ये और ज्यादा पेचीदी बात हो गई उसके लिए। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, ये व्यक्ति जो 2 मिनट पहले 2 तिल्लियों के लिए झगड़ा कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, ये मेरे को खाली ब्लैंक चेक के ऊपर साइन करके दे रहा है और कहता है जितना भरना। बोल जी मैं समझ नहीं पाया। बोले भाई हम जो घर गृहस्थी लोग हैं और जो आप लोगों को बहुत बड़े धनवान बिजनेसमैन दिखाई देते हैं, वो एक एक कण को बचाते हैं अपने खर्चे में से, इसलिए हम धार्मिक कार्यों में दान कर पाते हैं। यदि हम उड़ाएं तो हमें, हम भी कितना भी उड़ा दें फिर हम दान नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात उनकी है। दूसरी बात ये है कि जहां भी हमने जितना लिया, कभी किसी का अपने सिर पे ऋण मत रखना। और किसी इस प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान में लगे हैं, कोई साधु महात्मा हैं, कोई गुरुजन हैं, उनसे यदि आपने कुछ लिया तो, क्योंकि हिसाब किताब ईश्वर फिर पूरा करता है, तो इसलिए अपने जीते जी ही सारे हिसाब किताब पूरे करके जाने चाहिए हमें। कभी किसी का ऋण नहीं रखना अपने सिर के ऊपर। ऋण कई प्रकार का होता है। जो जो लोग हमारे साथ झगड़ा करते हैं, हमें तंग करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमने कुछ उनका बुरा किया नहीं इस जीवन में, समझ लेना वो अपने पीछे का हिसाब चुका रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ बैलेंस बाकी रह गया था, इसलिए इस समय जो वो हमारे साथ कर रहे हैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करना। क्योंकि जब ऋण चुकता होता है तो व्यक्ति हल्कापन महसूस करता है और शांति से सोता है। तो आप ये सोचना कि ये इसकी कितनी कृपा है जो इस जन्म में तो कम से कम मेरे को ऋण मुक्त कर रहा है, मेरे को हल्का कर रहा है। तो उसको सोच करके आप निश्चिंत रहना। आप सिर्फ, आपके कोई बैंक बैलेंस बचा था पीछे का, तो अपनी जान में अपने प्रयास करते हुए हमें कुछ भी बकाया नहीं छोड़ना है। ये भी भक्ति है।